हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस महान शख्सियत की बात करेंगे उनका नाम है जेफ बेजोस, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है। हो सकता है आपने जेफ बेजोस का नाम ना सुना हो, परंतु आपने उनकी वेबसाइट amazon.com का नाम जरूर सुना होगा। इस वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर साल लाखों किताबें और अन्य वस्तुएं बिकती हैं। अप्रैल 1994 की बात है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ जेफ बेजोस न्यूयॉर्क में फंड मैनेजर थे। एक दिन इंटरनेट पर सफरिंग करते समय उन्होंने यह पढ़ा कि वेब का प्रयोग करने वालों की संख्या हर महीने लगभग 2300% बढ़ रही है। यह आंकड़ा देखते ही उन्होंने फैसला किया कि वे वेब के माध्यम से कोई बिजनेस शुरू करेंगे। यह विचार मन में आते ही बेजोस ने बहुत बड़ा जोखिम लिया और अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकें बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि इनकी कीमत कम थी, संख्या अधिक थी और सबसे बड़ी बात यह कि पुस्तकों का $82 बिलियन का बाजार था। उन्होंने सीटल में अपना ऑफिस बनाने का फैसला किया, क्योंकि वहां पर इनग्राम जैसा बड़ा बुक स्टोर था। बेजोस ने अपने गैरेज में कंप्यूटर रखा और वेबसाइट का सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया। जब फाइनेंसिंग की बात आई तो बेजोस ने बड़े आत्मविश्वास के साथ फाइनेंसिंग कंपनी से कहा, मैं पुस्तक उद्योग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं इंटरनेट पर पुस्तकें बेचकर पुस्तक उद्योग का नक्शा बदलने वाला हूँ। जून 1995 में amazon.com वेबसाइट शुरू हुई। जल्दी ही जेफ बेजोस का सपना सच हुआ और मात्र 4 साल बाद यानी 1999 में amazon.com का बाजारी मूल्य $6 बिलियन रखा गया। 3 कर्मचारियों के साथ शुरू होने वाली amazon.com के स्टाफ में आज लाखों के कर्मचारी मौजूद।